नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक चर्चा में। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, हम सब से संबंधित है, पुलिस और वकील। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये चर्चा है रविवार की रात दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड, जिसे उसके एक मित्र साहिल ने मारा। साहिल को हालांकि पुलिस ने बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की विवेचना चल रही है, बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। पुलिस ने कुछ दावे किए हैं कि भाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या कहानी थी वह अलग बात थी, लेकिन बेशर्मी और प्रशंसा की हद पार करते हुए लड़की को 40 बार से अधिक चाकू से मारा। लड़की की जब हत्या हो रही थी तब वीडियो में दिख रहा है कि बहुत सारे लोग उसके पास से निकल के जा रहे थे, कोई भी उसको बचा सकता था। आरोपी लड़का एक हड्डी का था, कोई भी थोड़ा मजबूत व्यक्ति एक चांटा भी उसको मारता तो शायद वह लड़का जमीन पर गिर जाता, लेकिन इतने लोग निकले लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। लोग नजरअंदाज करते हुए निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लव जिहाद एक अलग विषय है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, उसके बाद पे बहुत गंभीर विषय है, उस पर फिर कभी आएंगे। लेकिन आज का इस बात का जो मेन मुद्दा है कि एक लड़की की हत्या होती रही और लोग देखते रहे, कोई मदद करने क्यों नहीं आया, आखिर क्या कारण है कि लोग आ नहीं रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वह लोग पारिवारिक नहीं है, समाज से नहीं जुड़े हैं? वीडियो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए, उनके घर में जाके रिपोर्टिंग करी जाए, पता करा जाए, तो पता लगेगा सब लोग अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे आर्थिक स्थिति किसी की कितनी भी हो, लेकिन अपने घर में पोजिशन में होता है, उसकी इज्जत होती है, लोग जानते हैं उनको, लेकिन बाहर आकर वह असहाय क्यों हो जाता है, क्यों नहीं कोई मदद करना चाहता है? क्या लोग इतने निर्दयी हो रहे हैं? ठीक है, आज की दुनिया मकसद की दुनिया है, लोग बहुत ज्यादा व्यवहारिक हो रहे हैं, लोग एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही कारण है? क्या शासन प्रशासन, हमारे कोर्ट और संविधान का कोई इसमें रोल नहीं है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा रोल है। आखिर लोग क्यों किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, कोई मदद करने क्यों नहीं आगे आता है, आखिर क्या कारण है? जी हाँ, कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कारण है पुलिस, कोर्ट, वकील। मेरे जैसे एक आम आदमी से अगर पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा, भाई साहब कैंसर दे दो, कैंसर की बीमारी दे दो, लेकिन पुलिस, कोर्ट और वकील के चक्कर मत कटवाना। जो व्यक्ति कभी कोर्ट नहीं गया है या कभी किसी के मजबूरी में सांस में जाना पड़ा, उसके लिए वाकई बहुत अच्छा नहीं होता। मैं खुद शायद अपने जीवन में 50 साल की उम्र में 2-3 बार ही कोर्ट गया हूँ। एक बार तो किसी मित्र के काम के संदर्भ में गया था और एक बार एक केस के संदर्भ में गया था, उस दिन का दिन है। मैं कोशिश करता हूँ कि इससे जितना दूर रहूं उससे उतना अच्छा। हमें भी पता है, हमने भी एमकॉम किया है, एमबीए किया है, हमने भी और भी पढ़ाइयाँ करी हैं, हमें देश विदेश के सारे नियम पता है, हमें पता है पुलिस के क्या कोर्ट नियम होते हैं, वकीलों के क्या नियम होते हैं, लेकिन कोई उस आदमी, कोई भी आम व्यक्ति उस पर फंसना नहीं चाहता, क्योंकि फंस के उसको लगता है कि ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। कारण भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में आम आदमी ये जानता है कि वारदात करने वाला व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति, वह तो पैसा देके छूट जाएगा, या आदतन वो अपराधी है तो कुछ साल ज्यादा नहीं, कुछ साल जेल में रह के वापस जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन एक आम आदमी वह कब फंस जाए, निर्दोष अपराध में फंस जाए, ऐसा हम बचपन से पिक्चर में देखते आ रहे हैं। पिक्चर तो दूर की बात है, कितनी कहानियां आती हैं, कितने रियल फैक्ट्स आते हैं कि कैसे पैसे के कारण एक छोटा सा केस सालों सालों चला, कई सालों चलने के बाद पता लगा कि जिसने 100-200 रुपए की रिश्वत ली उसकी तो नौकरी गई, जेल में जाने के बाद में केस चला, लेकिन जिसने लाखों करोड़ों रुपए के गबन किए उनका कभी कुछ नहीं हुआ, वो एक दिन जेल भी नहीं गया। आज भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो संसद के अंदर बैठते हैं, उन्होंने कितने के ऊपर मर्डर के केस हैं, बलात्कार के केस हैं, कितने के ऊपर ईडी, सीबीआई, सीआईडी, पता नहीं कितने केस हैं, लाखों करोड़ों रुपए के गबन के केस हैं, लेकिन कभी जेल नहीं गए, कभी रात नहीं रुके जेलों में। लेकिन एक आम आदमी जेल में जाता है, संसद में बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली देता है, देश को गाली देता है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय बोलता है कि हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको दिक्कत है आप FIR कर दीजिए। लेकिन कोई छोटा मोटा आदमी किसी सरकारी कार्यालय में किसी चपरासी को, किसी क्लर्क को एक छोटी सी गाली दे दे और शाम तक वो व्यक्ति जेल में चला जाएगा। यह संविधान है,
इसलिए लोग कोर्ट के केस में आना नहीं चाहते हैं, वकीलों के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई अकेला पुलिस वाला नहीं खाता है, पूरे सिस्टम को उनको खिलाना पड़ता है। एक छोटे से केस में अगर कोई मदद करने आता है तो सालों केस चलेगा, सालों छुट्टी कौन लेगा भाई, कौन अपनी दुकान बंद करेगा हर कभी, केस पर केस, तारीख पर तारीख, हर तारीख में वकील को पैसा कौन देगा। लोग सेवा करना चाहते हैं, भारत के लोग आज भी सामाजिक हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, लोग चाहते हैं मदद करना, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था के कारण कोई मदद करना नहीं चाहता है। जितने लोग निकले हैं, अब उनके घर में जाकर देखिए, उनके आस पड़ोस वाले लोग बताएंगे कि ये तो बहुत सज्जन आदमी है, ये तो सबकी मदद करते हैं, हमेशा आगे रहते हैं मदद करने में। पर वही लोग क्यों इस तरह की वारदात होती है तो साइड से निकल जाते हैं। उनको मालूम है कि अगर धोखे से उसको चाकू लग गया तो अस्पताल में उसे फ्री का एक इंजेक्शन भी नहीं लगेगा, उतने दिन उसका काम बंद होगा, पैसा कौन देगा। चलो ठीक है, चाकू से लड़ लेगा, लेकिन पुलिस कोर्ट वकील से कौन लड़ेगा? उनके घर वाले अलग सालों ताना देंगे, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी आपको दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की? ऐसे तो रोज केस होते रहते हैं, अपना परिवार देखो, आपकी नौकरी है, आपकी दुकान है, आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा? व्यक्ति अपने आप से नहीं रहता है। अगर मैं अकेला व्यक्ति हूं तो मैं पुलिस वकील कोर्ट से लड़ लूंगा, लेकिन मेरे पीछे मेरा परिवार है, उनको मुझे खाना खिलाना है, उनका क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? लोग पुलिस और वकील से क्यों बचना चाहते हैं? बात बात में पैसा, झूठा केस, आरोपी छूट जाएगा, निर्दोष बच जाएगा। जब तक यह सिस्टम नहीं बदलेगा, और सिस्टम आम आदमी नहीं बदल सकते हैं, इसको ऊपर से बदलना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में पहले कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी बने, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले दूसरा मंत्रालय दे दिया गया। इतिहास में उन्होंने ऐसा पहला बार ऐसा काम किया कि सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार से ऊपर हो गए हैं। रात को आरोपियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए रात के समय खुलते हैं और आम आदमी परेशान होता रहता है। वाकई उनके जैसा आदमी नहीं हुआ, उन्होंने बहुत छोटे समय में एक ऐसा इतिहास बना के चले गए जिसे सालों सालों याद रखा जाएगा। यही यह सरकार के स्तर पर होना है, और कब होगा? जब सरकार नया संविधान की नई धाराएं लेके आएगी, ताकि निर्दोष लोग बचे रहें और जो लोग आरोपी लोग हैं उन पर केस चले, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। जब सिस्टम यह हो जाएगा तो हर आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आएगा। वीडियो बढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज से करीब करीब 21 साल पुरानी बात है, ऐसा ही एक केस हमारे साथ में हुआ था। मेरे पड़ोसी के घर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उस समय वो बाहर गए हुए थे, मैं भी बाहर गया हुआ था, वह अपने घर हरियाणा गए हुए थे, मैं कानपुर गया हुआ था, हमारे पांडे सर, हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे कलीग, उनकी सिस्टर की शादी थी, हम उसमें गए हुए थे 2-3 स्टाफ वालों के साथ में। जब हम लौट कर आए, उसके अगले दिन वो आए, आने के समय हमारी तबीयत खराब थी, हम भी घर में जाके घुसे और दूसरे दिन निकले। जब वह आए, उन्होंने अपना दरवाजा खोला तो पता लगा उनके घर में मोटरसाइकिल नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया कि पटेल जी आके देखिए, बाकी मोटरसाइकिल नहीं। तुरंत हम लोग थाने गए, थाने में किराया तो थाने वालों ने जो प्रोसेस थी पूछा कि भाई क्या है। हमारे जो पड़ोसी एक राजू भाई हैं सामने, उनसे पूछा आप थे नहीं थे, मुझसे पूछा, मैं बाहर गया हुआ था, मैंने कहा मैं ही बाहर था। उन्होंने पूछा आपको इन पे शक क्या? हम तो वैसे ही घबराए हैं देख के। चलिए कोई बात नहीं, केस हुआ, 2-3 दिन बाद में मोटरसाइकिल मिल गई, पता लगा हमारे ही स्टाफ के एक बच्चे ने मोटरसाइकिल चोरी करी थी। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, कोर्ट में केस चला। हमारा जिस सिटी में रहता था पचमढ़ी, उसमें कोर्ट हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगता था, क्योंकि छोटा शहर है। हमारे पास एक दिन एक पेपर आया कोर्ट से, मेरा और मेरे राजू भाई के नाम से, कि आपको आना है, ये तीसरी पेशी है, अगर आप नहीं आए तो आपके ऊपर आपका गिरफ्तारी वारंट आएगा। तो पेशी में हम लोग नहीं जा पाए, या हमें कागज ही नहीं मिला, पता नहीं। हम पूरे दिन छुट्टी लेके गए, हमारे स्टाफ के साथ में हमारे जो ऑफिसर थे 2-3 लोग भी गए, ऑफिस का मैटर था। सुबह से लेके बैठे हम 9 बजे से लेके 3 बजे हमारा नंबर आया। जब अंदर गए
तो वहां पे जो वकील था उसने पूछा कि केस के बारे में संदर्भ पूछा। वकील ने एक चीज पूछी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो महाशय शर्मा जी हैं मेरे पड़ोसी जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने खुद ने अपनी मोटरसाइकिल निकाल के कहीं छुपा दी हो और झूठा इल्जाम लगा दिया हो। लोग हंसने लगे। जज साहब भी कुछ नहीं बोले। अब पहले से सेट होगा। हम आपस में दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। शर्मा जी बोले सर ऐसा कैसे, नहीं नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है मैं वकील हूँ भाई हमारे जिनके ऊपर केस लगाए हुए हैं कि उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करी है। चलो जो भी बात हुई केस खत्म हो गया। मैं और मेरे साथी राजू भाई जो कोर्ट में गए थे, हमें आज 20 साल तक यह पता नहीं लगा कि हम किसकी तरफ से गए थे। जिनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई हमारे पड़ोसी महेंद्र शर्मा जी उनकी तरफ से हम कोर्ट में गए थे, या जिसने चोरी करी वो भी हमारे स्टाफ का लड़का था हम उसकी तरफ से गए थे, आज तक हमें पता नहीं लगा। लेकिन वह दिन था, 21 साल हो गए, मैं कोशिश करता हूँ भगवान कभी मुझे कोर्ट नहीं जाना पड़े। बात कुछ नहीं है, सुबह 9 बजे से लेके हम भाई 3 बजे तक खाली पेट रहे कि कब नंबर आ जाएगा। और जबकि कोई ऐसा नहीं कि 1-2 लाख की पब्लिक हो उस शहर में, मुश्किल से 10,000 की पब्लिक थी उस शहर में, मुश्किल से 5-7 केस थे, 10 केस थे। हम दिन भर खड़े रहे और किस तरह से हमारे सामने उस केस को पलटा गया। चलो ठीक है, चोरी करने वाला एक नाबालिग बच्चा था, सब चाहते थे, स्टाफ वाले भी चाहते थे कि मोटरसाइकिल मिल गई, चलो बात खत्म करी जाए। तो जिनकी मोटरसाइकिल चोरी गई उन्होंने बोला भाई केस खत्म करो, कोई बात नहीं मेरी मोटरसाइकिल मुझे मिल गई, जो टूट फूट हुई है देना है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं मोटरसाइकिल तो मिल गई। लेकिन केस चलते रहा, क्या हुआ, खत्म हो गया। लेकिन वह हमारा आंखों देखा हाल था। ऐसा ही बहुत से लोगों के साथ में होता है, बहुत से लोगों के साथ में होता है। वह चलो छोटा शहर था, हो सकता है बात अलग हो, लेकिन बड़े शहरों में भी ऐसे होते हैं। लोग बोलते हैं कि जो आरोपी था वह तो छूट गया, संसद में बैठे जो आरोपी हैं कई के केसों के वो तो कभी जेल नहीं गए, लेकिन जो छोटी मोटी घूस खाता है जरा से जरा झगड़े हो जाते हैं, गुस्से में एक दूसरे को मारा पीटी हो जाती है, वो रात में जेल में रहते हैं। यह सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक लोग मदद करने के लिए नहीं आएंगे। भाई आप सब लोगों से आग्रह है, कृपया सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि एक नया सिस्टम चालू हो ताकि लोगों के ऊपर झूठे केस न लगे और लोग मदद करने वाले लोग परेशान ना हो। कल फिर किसी नई चर्चा पर आएंगे। धन्यवाद।